साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। देखिए आज फिर आपके लिए बेहद अलग केस लेकर आया हूँ। ये क्या केस है, इसको कौन सी बीमारी है, इसका क्या उपचार हमें करना चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए केस है इन्फेक्शन ऑफ यूरिन, यानी पेशाब का बंद जिसको आप बोल सकते हैं, यूरिन स्टोन का केस भी आप इसको बोल सकते हैं। ऐसे केसेस हमें बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। बस्तरों में पेशाब का बंद यह कई सारे लावारों में हमें आसानी से दिखाई देता है। कई कंडीशन में हमें उसके हम सर्जरी करते हैं, कई केसेस में हम बिना सर्जरी के भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या केस है, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इसने पिछले 3 दिन से यूरिन डिजोल्व नहीं किया है, यानी इसने पिछले 3 दिन से पेशाब नहीं किया है। अब पेशाब न करने का कारण पथरी हो सकता है, इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है यूरिन में, देन इसके अलावा जो पेनिस रहता है उसमें यदि इन्फेक्शन हो या उसमें यदि कंकड़ पत्थर टक जाता है तो उसके कारण भी लवारों में पेशाब का बंद हमें दिखाई देता है। अब जब पेशाब बंद नॉर्मली लवारों में बसलों में कटड़ों में होता है तो वहाँ पर उसके पेनिस में स्वेलिंग नहीं आती, लेकिन इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि इसके पूरे पेनिस में सूजन है, अंडकोश में सूजन है और 3 दिन से इसने पेशाब नहीं किया है। तो यदि आपको पेनिस में स्वेलिंग दिखाई दे, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, देखिए जहाँ से इसका पेनिस शुरू हो रहा है वहाँ से अंत तक अंडकोश तक एकदम से स्वेलिंग है, पूरा एकदम से बड़ा हो गया है और इसमें से बिल्कुल भी यूरिन पास नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस में आप सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों निमोपेरा, हाई डोज में थोड़ा हम लगाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा लगाएंगे 5 ml तक आप इंट्रामस्कुलर, इतने बड़े केटल में आप लगा सकते हैं, इतने बड़े काप में आप लगा सकते हैं। निमोसुलैडिन पैरासिटामोल वाला इंजेक्शन आप दीजिए, इसमें इंजेक्शन आप इसमें पैरेडनिसोलोन 2 ml इंट्रामस्कुलर लगाइए, इंजेक्शन आप इसमें सेप्ट्रिक्सम हम टेजोबेक्टम यहाँ पर आप 2 ग्राम इंट्रामस्कुलर आपको देना पड़ेगा। सेप्ट्रिक्सम टेजोबेक्टम 2 ग्राम आपको लेना है या 1.5 ग्राम मिले तो आप 1.5 ग्राम भी खरीद कर इस लवारे को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा CPM का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बस ये 4 इंजेक्शन हमें लगातार दिन में 2 बार यूज़ करेंगे, एक बार नहीं लगाएंगे, दिन में हम 2 बार इन इंजेक्शनों को लगाएंगे। जब आप दिन में 2 बार ये इंजेक्शन लगाएंगे तो यदि मूत्र मार्ग में यूरिन नली में यदि स्वेलिंग आई है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, तो वह इससे ख़त्म हो जाएगा। यदि यहाँ पर स्टोन बन गई है मूत्र मार्ग में, पेनिस में यदि कोई कंकड़ फंस गया है तो वह इस ट्रीटमेंट से नहीं निकलेगा। लेकिन स्वेलिंग वाले केस में आप यह ट्रीटमेंट करें, इस वाले केस में ऐसा केस यदि आपको कहीं पर दिखाई दे तो मैं आपको इंजेक्शन जो बता रहा हूँ आप यह लगाइए, ठीक हो जाएगा।